देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ में राजेंद्र गुर्जर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। राजधानी के भीमनगर में बीती रात बेखौफ तीन बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। आरोपियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के बाद फायरिंग कर दी। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपियों की शिनाख्त कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। विधानसभा और मंत्रालय की सुरक्षा व्यवस्था को दरकिनार कर बदमाशों ने भी नगर में आतंक मचा दिया। गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक सचिन बंद भीमनगर में रहता है। बीती रात करीब 1 बजे वह अपने दोस्त अंकित के साथ टहल रहा था, तभी तीन अज्ञात बदमाश आए और नितेश नाम युवक के घर का पता पूछने लगे। जब दोनों ने पता बताने से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और लोहे की रॉड से तीन गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। तभी इब्राहिम नामक युवक आया और उसने कार में तोड़फोड़ करने का विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर कट्टे से फायर कर दिया। हालांकि गोली इब्राहिम को नहीं लगी। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। क्योंकि भीमनगर में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पुलिस आरोपियों की तलाश में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। ये कल रात को 12 से 1 के बीच की घटना है, जिसमें ये पता चला है कि तीन लड़के आए थे, जिन्होंने एक सचिन करके लड़का है, पहले उसके साथ विवाद हुआ, और एक और व्यक्ति है इब्राहिम, जिसके साथ उनका विवाद हुआ, और विवाद के चलते गोली भी चलाई गई और मारपीट भी की गई। इसके ऊपर से इसके चलते 307 का मुकदमा कायम किया है। अभी पुलिस जो है आरोपियों की तलाश कर रही है और वो जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे। अभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह को देखा जा रहा है। फिलहाल तो इसके बारे में कमेंट करना सही नहीं रहेगा।